खुद मुख्यमंत्री बन के देखेंगे काम होता है कि नहीं होता। देखिए आज 31 जुलाई को शहीदी दिवस होता है, सफाई कर्मचारी दिवस के रूप में मनाया जाता है हर वर्ष, और इस वर्ष के विशेष रूप से हम सफाई कर्मचारी दिवस को मनाना चाहते हैं, और इसीलिए हमने सफाई मजदूर सम्मेलन के रूप में हमने इसको आज इसको किया। पूरे देश से आज के कार्यक्रम में, इस सम्मेलन में, पूरे देश से सफाई कर्मचारी और वाल्मीकि समाज के संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए हैं, दिल्ली के जितने नगर निगम के ज़्यादा यूनियनों के प्रतिनिधि शामिल हुए हैं, और जो दूसरे सफाई कर्मचारी और बुद्धिजीवी हमारे, जो सफाई कर्मचारी नहीं है, जो समाज सेवक हैं, बुद्धिजीवी हैं, वो लोग शरीक हुए हैं। आज का मकसद ये कि आज जो हमारे देश में सफाई कर्मचारियों की उपेक्षा हो रही है, जो संविधान में हमारे अधिकार थे, उन अधिकारों को ख़त्म करके सफाई कर्मचारियों को एक गड्ढे में डालने की जो इनकी साजिश है, उसके विरुद्ध आज एक प्रस्ताव पास होगा, आज एक मांग पत्र तैयार होगा, और आगे भविष्य के संघर्ष की रणनीति तय होगी, जो कि हमें सफाई कर्मचारियों को, जो सबसे डिप्राइव है, पिछले 5000 सालों से जिस समाज ने इस देश को केवल दिया है, लिया कभी नहीं है, और आपने उनके संवैधानिक अधिकार खत्म कर दिए, तो हम उस सफाई कर्मचारी समुदाय की लड़ाई को राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर लाना चाहते हैं। हम ये दुनिया को बताना चाहते हैं, चाहे वो यूनाइटेड नेशन हो, चाहे वो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हो, कि भाई इस देश की जो सरकार है, वो सरकार हमारे साथ किस तरह अत्याचार कर रही है। आपके जितने जो लोग हैं, ये कहते हैं जी सफाई कर्मचारी काम नहीं करते, तो ये जो जितने ये लोग बैठे हैं, इनके ब्यूरोक्रेट्स जो खुद महाचोर हैं, कुछ काम नहीं करते, और पूरे संसद सरकार का जो पैसा, उसका 25% पैसा ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर खर्चा होता है, तो वो पैसा कहाँ, वो लोग कितना काम करते हैं? इस देश के जो भ्रष्ट नेता हैं, जो वो कितना काम करते हैं? जो सफाई कर्मचारी सबसे कमजोर है, जिसको इनको देना चाहिए, किसी भी बहाने से देना चाहिए, वो नहीं दिया। हमारा वो संघर्ष है। और भूमि सुधार, अब हमें भूमि सुधार चाहिए, भूमि चाहिए इस धरती में से। हमने सर्वे किया, 99% सफाई कर्मचारी के पास इस देश के अंदर 1 इंच भूमि नहीं है, 99 सफाई कर्मचारियों के परसेंट के पास। तो भाई क्यों नहीं है? अब जबकि संविधान में जो भूमि सुधार का था, आपने पट्टे क्यों नहीं दिए हमें? हमें 10 बीघा जमीन की हमारी मांग है, हमें चाहिए। और तीसरी बात ये कि हम जो ये आज मेमोरेंडम पास होगा, जो प्रस्ताव पास होगा, ये हम जो असली मालकिन है इस देश की, महारानी एलिजाबेथ ब्रिटिश की, जो 99 साल का ट्रांसफर ऑफ पावर है इनको, ये प्रॉपर आज़ादी नहीं है, दिस इज द ट्रांसफर ऑफ पावर फॉर 99 ईयर्स, तो उसको हम महारानी एलिजाबेथ को ये भेजेंगे अपनी तकलीफ, अपनी पीड़ा, कि भाई इनको देखे गए अब 99 साल में, और इन्होंने हमारे साथ क्या हालात करे। जब अंग्रेज थे यहाँ पर, हमारे हालात इससे बेहतर थे, वो हमारे नगर निगमों में जब उन्होंने बनाए, तो हमारे लोगों को आगे बढ़ाया, होटल रेस्टोरेंट्स में हमें काम दिए, आज हमारे लोग यूरोप में बैठे हैं, सफाई के काम से आगे निकले, फौज में भर्ती किया। आज हमें इन्होंने जातिगत तरीके से, इन मनुवादियों ने हमें जाति के आधार पर पीछे किया है, और जितनी भी ये राजनीतिक पार्टियां हैं, इनके जो शीर्ष पे बैठे हुए हैं, वो तमाम लोग वो बैठे हुए हैं जो मनुवादी हैं। आज राहुल गांधी जी भी अपने आप को जनेऊधारी ब्राह्मण करने पे तुले हुए हैं। और क्यों भाई, आप कांग्रेस को जिसको धर्मनिरपेक्ष माना जाता था, जिसको सभी जातियों धर्मों का एक समूह माना जाता था, आज आप एक आरएसएस के कहने पे आप जनेऊधारी ब्राह्मण बनने को, साबित करने को आप घूम रहे हैं। इसका मतलब आप भी जातिवादी हो, आप भी मनुवादी हो। इसीलिए इस सम्मेलन के माध्यम से हमने तय किया कि सफाई कर्मचारियों की इन मांगों को अब ना तो सामाजिक हम मानेंगे, ना राजनीति उसको ट्रेड यूनियन में मानेंगे, अब हम इसको राजनीतिक डिमांड बना करके रहेंगे, क्योंकि ये पॉलिटिकल डिमांड्स हैं, और राजनीतिक रूप से जब हम आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक हमारी इन डिमांड्स को किसी हालत में पूरा नहीं किया जा सकता, क्योंकि पिछले 70 सालों से हमारी ट्रेड यूनियन लड़ रही हैं, हमारे लीडर्स लड़ रहे हैं, मगर ये उन बातों को सुन रहे हैं, दरकिनार कर रहे हैं। तो इसलिए हमें राजनीतिक सत्ता लेनी है। दिल्ली में 40 लाख हमारे सफाई मजदूर, हमारे परिवार, उनके वाल्मीकि समाज 40 लाख लोग हैं, तो भैया हम 1.5 वोट के मुख्यमंत्री को नहीं रहने देंगे। 40 लाख, क्योंकि लोकतंत्र की मांग है ये, और लोकतंत्र का तरीका है कि जिस डेमोक्रेसी में जिसका वोट ज़्यादा होता है, नेता उसका होना चाहिए, यहाँ उल्टा हो रहा है। 40 लाख लोग वोटर हैं, और जिसका 1.5% वोट है, वो मुख्यमंत्री बना बैठा है। जिन लोगों के 5% वोट है, वो राज कर रहे हैं, और 40 लाख लोग बाहर बैठ के
उनसे मांग रहे हैं और उनको मिल भी नहीं रहा है। तो इसलिए हमने कहा कि आज इस माध्यम से हम दो अपने एक ऐलान करेंगे, एक तो सफाई कर्मचारियों की मांग पत्र को हम पूरे देश दुनिया में ले जाएंगे, उनकी स्थिति को बताएंगे, दूसरा यहाँ से राजनीतिक ऐलान कि 2020 में सफाई कर्मचारी दिल्ली का मुख्यमंत्री होगा, ये हमारा ऐलान है। क्योंकि इसके लिए हमने ये उद्देश्य है जी, हमने इसको बुलाया। देखिए, हमने 70 की 70 विधानसभा सीटों पे हमने पूरी तैयारी कर ली है, प्रभारी भी हमारे लगातार बढ़ रहे हैं, घोषित हो रहे हैं, लेकिन अभी बीच में एक डेवलपमेंट हुआ है। अभी 5 राजनीतिक पार्टियां छोटी, क्योंकि हमने कहा था बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के साथ हमारा कोई समझौता नहीं होगा, हमने लोकसभा में भी नहीं किया, और हमारा कहना था BSP के साथ हम कर सकते हैं, लेकिन अभी डेवलपमेंट हुआ, BSP ने किया नहीं, लेकिन 5 राजनीतिक दलों की भी पिछले हफ्ते हमारी मीटिंग हुई है द्वारका में, जिसमें राष्ट्रीय सामाजिक न्याय पार्टी है और जिसमें बहुजन करके 5 पार्टियां हैं, जिनसे हमारा एक राष्ट्रीय जन लोकतांत्रिक पार्टी है और हमारी जनता दल मेहनत कर से 5 राजनीतिक पार्टियों में चर्चा हुई है और एक नया मोर्चा गठित हुआ है जो 2020 के दिल्ली के चुनाव के लिए लड़ेगा। अगर ये मोर्चा बनता है, एक तरह से बनी गया है, इसमें और दल आते हैं या संगठन आते हैं, हम वेलकम करेंगे, क्योंकि हम कम से कम मिल करके लड़ेंगे तो हमारी जीत सुनिश्चित होगी और हम ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे, हम लड़ पाएंगे। हम बिल पूरी तरीके से, अगर वो नहीं बना तो अकेले तो हमने लड़ना है, मगर मोर्चा बना, इन 3 पार्टियों को छोड़ के कोई भी पार्टी आएंगी हमके साथ समझौता करेंगे। अरविंद केजरीवाल जब सत्ता में आए थे उससे पहले अरविंद केजरीवाल ने चुनाव जीतकर अपनी पार्टी चुनाव दिल्ली में लड़ा और बहुमत की सरकार बनाई, काफ़ी बढ़ चढ़ कर ये बातें भी कही कि जो आदमी की समाज मतलब खासकर सफाई कर्मचारी है उनको ध्यान में रखकर हमारी पार्टी आगे चलेगी और इसी को लेकर उन्होंने अरविंद चुनाव चिन्ह का कई बार जिक्र किया। अब क्या रहेगा, कॉन्सेप्ट बदल गया है या फिर जो आम आदमी पार्टी है वो पैटर्न से भटक गई है, तभी तीर्थ यात्रा की बात कर रही है? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा, वो अपने रास्ते से भटक गए हैं। जिन सफाई कर्मचारियों के झाड़ू को लेकर के वो सत्ता में आए, उन सफाई कर्मचारियों को दरकिनार कर दिया और अभी उन लोगों को जो वहाँ भेज रहे हैं, तीर्थ यात्राओं पे भेज रहे हैं, उन तीर्थ यात्राओं में से उन्हीं अपने मनुवादी उन मंदिरों में भेज रहे हैं। अब देखिए, उस तीर्थ यात्रा में 2 चीज़ें और हैं कि उसमें ना तो रविदास के जहाँ पर तीर्थ हैं, ना वाल्मीकि तीर्थ और ना बुद्ध तीर्थ भी उसमें शामिल नहीं है। देखो, अफसोस की बात यह है, तो इससे साफ पता चलता है कि ये कहीं ना कहीं पर ये उसी तरह मनुवादी मानसिकता के लोग हैं, आपस में मिले हुए अंदर खाते, और ये अपने ही मनुवादी मंदिरों को उन्हीं को शक्तिशाली कराने के लिए, अपनी विचारधारा को शक्तिशाली कराने के लिए काम कर रहे हैं और हमारे अनुसूचित जाति जनजाति को ये पूरी तरीके से ये पीछे धकेल रहे हैं। देखिए, ये बात आप समझ लीजिए, 2019 और 2020 का जो दिल्ली सरकार ने बजट रखा है इसके ऊपर किसी ने चर्चा नहीं की है। मैंने वो बजट पूरा संभाल के रखा, हम उसके ऊपर चलाने वाले हैं। दिल्ली सरकार ने अब की बार, आपको पता नहीं होगा, दिल्ली सरकार ने इस बार अनुसूचित जाति का बजट का जो पैसा होता है वो इस बार दिया ही नहीं है, इस बजट में उसको एलोकेट ही नहीं किया है। तो हम उसको लेके चल रहे हैं कि भैया लगातार चाहे आप दो ना दो, मगर वो बजट में पैसा होता था। पिछली बार भी 14,000 करोड़ रुपए का बजट था, मगर इस बार एक पैसा अनुसूचित जाति के नाम पर रखा नहीं है, हम इसको निंदा करते हैं, घोर निंदा। मनीष सिसोदिया शिक्षा मंत्री हैं दिल्ली के, उन्होंने कहा था कि अम्बेडकर जी को हम पाठ्यक्रम में शामिल करेंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं हो पाया है। तो मानसिकता दरअसल चुनाव के वक्त बदल जाती है, चुनाव से पहले कुछ और होती है। हाँ, देखिए, वो तो इनके कहने की कतनी में, अभी महिलाओं को जब हमने यहीं पर जुलाई में हमने यहीं पर उसमें जून में हमने यहीं पर घोषणा की कि भाई हम अपनी महिलाओं को प्रभारी करके हम प्रचार में जाएंगे, चुनाव प्रचार में, तो अगले 2-3 दिन बाद नेक्स्ट डे इन्होंने प्रचार वो घोषित कर दी कि महिलाओं को फ्री यात्रा देंगे, जो कि पॉसिबल नहीं थी। बहुत सारी चीज़ें इन्होंने ऐसी की है, जबरदस्ती कह देते हैं जो पॉसिबल नहीं होती है, हवा हवाई। फिर कहते हैं जी हमें BJP काम नहीं करने दे रही है, मोदी काम नहीं करने दे रहे हैं, गवर्नर नहीं काम करने दे रहे हैं।
भाई आप ये बताओ ना, उस तरह की आप डिमांड्स कहते, आप लोगों को झांसा क्यों देते हो? पांच सारी महिलाओं को मेट्रो में फ्री, उसका कोई मतलब तुक है उस पैसे से? भाई आप हमारे अनुसूचित जातियों के लोगों को पढ़ाओ लिखाओ, उनको रोजगार दो, उसको आप फ्री क्यों करोगे? और वैसे ही पॉसिबल नहीं है। और दूसरी बात, ये जो स्कूलों के नाम पे वाई लूट रहे हैं, मेरे भाई मैं बार बार कहता हूँ कि इन्होंने बिल्डिंगें तो बनाई, वो इसलिए बनाई कि बिल्डिंगों कंस्ट्रक्शन करने से कुछ आता है घरों में। इन्होंने मास्टर भर्ती नहीं करे, सुंदर सुंदर बिल्डिंगें नहीं पढ़ाएंगी, पढ़ाएगा कौन? टीचर। और टीचर ये भर्ती नहीं करेंगे जानबूझ के, और विदेशी लोगों को बुला करके बिल्डिंगें दिखाएंगे, सुंदर सुंदर बिल्डिंगें, देखो जी हमने संगमरमर लगा दिए, हमने इतने एयर कंडीशन कमरे बना दिए, क्योंकि वहाँ मिलना है कुछ, और टीचर इनको कुछ देगा नहीं, और बच्चों को कौन पढ़ाएगा? टीचर। और टीचर ये भर्ती नहीं करेंगे तो हमारे बच्चों की शिक्षा अधूरी रह जाएगी। चाहे आप 5-स्टार होटल में बच्चों को भर्ती ले जाकर बिठा दो, जब मास्टर नहीं होगा तो सीखेगा क्या? तो इसीलिए हमने कहा कि भाई टीचर भर्ती करो, टीचर ये भर्ती नहीं करते हैं। तो शिक्षा नीति भी इनकी बिल्कुल जीरो है, हमारे किसी काम की नहीं है। और दूसरी बात ये, आप इस पर इन्वेस्टिगेशन करना, जब भी ये फोटो खिंचवाते हैं या किसी उसको लेके आते हैं विदेशी को या देसी टूरिस्ट को कि भाई आप देखो हमारे स्कूलों को, वहाँ पर जो बच्चे बैठे होते हैं, मैं बिल्कुल 100% इसको पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, वो बच्चे सरकारी स्कूल के नहीं होते हैं। जो मास्टर या लोग जो वहाँ पर उसमें होते हैं वो लोग सरकारी स्कूल के नहीं होते हैं। इस पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चों की हालत वैसे है ही नहीं है। आप सरकारी स्कूल में जाओ ना, कैसी वर्दी है उनकी, जाके देखो, उनको ठीक से कपड़े नहीं है पहनने को, और वहाँ देखो सुंदर सुंदर बच्चे, टाई वाई हाई फाई, वो क्या मतलब धोखा दे रहे हो आप दोनों लोगों को? तो इस तरह की हमें नहीं चाहिए। अब हम इसीलिए हमने कहा कि अब की बार भाई 2020 में, क्योंकि दिल्ली में वोट हमारा है, इस बार हम दूसरे को ना डाल के खुद डालेंगे, और हम अब खुद मुख्यमंत्री बन के देखेंगे काम होता है कि नहीं होता भाई। और समाज से अपील भी है कि भाई तमाम वाल्मीकि समाज सारे झंझट छोड़ करके अब अपने साथ जुड़ जाओ, इस बार हमने सफाई कर्मी उर्फ वाल्मीकि हमने मुख्यमंत्री और सरकार बनानी है। उसके लिए हमने जाटव समाज, अपना चमार समाज, उनको अपील की है 20 लाख आप हो, एक मुख्यमंत्री और एक उप मुख्यमंत्री, और चलाओ सरकार। धन्यवाद।